बेबाक अभिनेत्री हैं, जिन्हें उनके अभिनय और स्पर्शवादी स्वभाव के लिए जाना जाता है। उन्होंने तेजस्वी योद्धाओं से लेकर कमजोर व्यक्तियों तक कई भूमिकाओं को निभाया है, जिससे वह साहसिक प्रशंसा और अनेक पुरस्कार जीती हैं। कंगना को सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी खुली राय देने के लिए भी जाना जाता है, जिससे वे कई बार विवादों में फंसती हैं, लेकिन उन्हें किसी से भी डर नहीं लगता। उन्हें सिर्फ अपनी सोच को दुनिया को जाहिर करना होता है, लेकिन कंगना हमेशा सही तरीके से अपने लिए लड़ना चाहती है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीवीएन 24 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। कंगना को मंडी के लिए बीजेपी से टिकट मिला है, तब से सुर्खियां या फिर किसी ना किसी कॉन्ट्रोवर्सी में फंसती नजर आती है। ऐसा लगता है कंगना मुसीबतों को खुद बुलावा देती है। अब चाहे सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड वो कॉन्ट्रोवर्सी हो या फिर बीफ के ऊपर कंगना का पलटवार, कंगना के बेबाक रवैये से हर कोई वाकिफ है। कंगना ने विपक्ष के एक बयान पर पलटवार किया और खुद कॉन्ट्रोवर्सी पर फंसती नजर। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के दावे पर हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो बीफ और रेड मीट नहीं खाती हैं। कंगना रनौत ने ट्विटर पर लिखा, मैं बीफ या किसी प्रकार का रेड मीट का सेवन नहीं करती। यह शर्मनाक है कि मेरे बारे में पूरी तरह से आधारहीन अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं दशकों से यौगिक और आयुर्वेदिक जीवन शैली का प्रचार करती। कंगना ने अपनी पोस्ट का अंत जय श्री राम लिखकर दिया। उन्होंने आगे कहा, ऐसी रणनीति मेरी छवि खराब करने के लिए काम में नहीं आएगी, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं कि मैं एक गौरवान्वित हिंदू हूं और कोई भी चीज उन्हें कभी गुमराह नहीं कर सकती। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया था कि कंगना रनौत ने पिछले दिनों कहा था कि वो बीफ खाती है, लेकिन उसकी इस बात का कंगना ने अपने बेपाक तरीके से जवाब। फिलहाल इस स्पेशल न्यूज में इतना ही। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहिए जीवीएन 24 न्यूज के साथ।